मेकिंग मिस्टेक इज़ बेटर देन फेकिंग परफेक्शंस। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं प्रिया आपका वेलकम करती हूँ हमारी आज की करंट अफेयर की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था, हु इज़ द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इज़राइल। इज़राइल के नए प्रधानमंत्री कौन है? हमारे ऑप्शन थे, पहला ऑप्शन था ए बेंजामिन नेतन्याहू, इमाद बी इमाद खामिस, सी हसन दियाब, डी अब्दुल्ला सेकंड। तो हमारा सही ऑप्शन है बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं इज़राइल के, और इज़राइल की राजधानी है जेरूसलम और करेंसी है इज़राइली सेकल। इमाद खामिस जो है वो है सीरिया के, और सीरिया की राजधानी है डेमेस्कस और करेंसी है सीरियन पाउंड। और हसन दियाब जो है वो लेबनान के हैं, और वहाँ की राजधानी है बेरूत और करेंसी है लेबनीज पाउंड। अब्दुल्ला सेकंड जो है वो किंग है जॉर्डन के, और वहाँ की राजधानी है अमान और करेंसी है जॉर्डियन दिनार। अब हम शुरू करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, डायमर बासा डैम इज़ प्रपोज टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। डायमर बासा बंद निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है या प्रस्तावित है? इंडस, झेलम, चिनाब, रवि। तो इसका सही ऑप्शन है इंडस। तो बेसिकली ये है क्या, ये चाइना और पाकिस्तान ने टीम अप होकर डायमर बासा डैम बनाया है गिलगित बलिस्तान रीजन में, और जिसकी वजह से इंडिया और चाइना के बीच में जो है थोड़ी टेंशन हो गई है, क्योंकि इंडिया जो है इस रीजन को ऊपर क्लेम करता है। और ये बनाया है चाइना की पावर कंपनी, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट चाइनीज पावर कंपनी है, उसको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा तो पाकिस्तान को इंडस से वाटर मिल जाएगा इरिगेशन के लिए। और ये डैम जो है वो एक जगह है भासा, वहाँ पर है, इसीलिए इसका नाम भासा भी रखा गया है। और इसका फाउंडेशन स्टोन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने 1998 में डाला था। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री गिव नेम साइक्लोन एम्फॉन। किस देश ने चक्रवात एम्फॉन का नाम दिया है? ऑप्शन है इंडिया, थाईलैंड, बांग्लादेश, ओमान। तो हमारा सही ऑप्शन है थाईलैंड। तो जो एम्फॉन साइक्लोन है वो पहला साइक्लोन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ 2020 नॉर्दर्न इंडियन ओशन साइक्लोन इस सीज़न का। और अकॉर्डिंग टू इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट फोरकास्ट, ये जो है वो लैंडफॉल एज अ वेरी सेवियर साइक्लोन बिटवीन द सागर आइसलैंड ऑफ वेस्ट बंगाल एंड हाथिया आइसलैंड ऑफ बांग्लादेश। इट हैज़ बीन नेम्ड बाय थाईलैंड। तो इसका नाम जो है वो थाईलैंड ने रखा है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LISA? LISA का पूर्ण रूप क्या है? हमारे ऑप्शन है लेस इनएक्टिव सर्फेक्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन, लेस इन्वेजिव सर्फेक्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल इन्वेजिव सर्फेक्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन, नन ऑफ द अबव। तो हमारा सही ऑप्शन है लेस इन्वेजिव सर्फेक्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो बेसिकली ये एक टेक्निक है जिसमें जो हमारे न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं तो उनमें जो लंग डिजीज़ और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाता है उसके बारे में, उसको डायग्नोस करने के लिए इसके द्वारा हम लंग प्रोटेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट एंड वेंटिलेशन इन व्यू ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन काउजिंग डैमेज टू द पेट्रम लंग ऑफ न्यूबॉर्न्स। और ये टेक्निक जो है वो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट को भी मिनिमाइज करती है। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है, वेयर इज़ रिवर दिबांग लोकेटेड। दिबांग नदी कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम। तो हमारा इसका सही ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। तो ये न्यूज़ में क्यों है? बेसिकली दिबांग नदी पर एक डैम बनाया गया है
और जो कि लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में है, और इस प्रोजेक्ट से 2880 मेगावाट की पावर को जनरेट किया जाता है किया जाएगा। और ये एक लार्जेस्ट एवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड किया गया है इंडिया में वो है। और जो डैम है, द डैम विल बी कंक्रीट ग्रेविटी डैम। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रिसेंटली विद होम इंडिया साइन COVID-19 सोशल प्रोटेक्शन रिस्पॉन्स प्रोग्राम। हाल ही में भारत ने किसके साथ COVID-19 सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रिया कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए हैं? हमारे ऑप्शन है इंडिया एंड WHO, भारत ने वर्ल्ड बैंक के साथ, USA एंड इंडिया, इंडिया एंड साउथ कोरिया। तो हमारा सही ऑप्शन है इंडिया एंड द वर्ल्ड बैंक, भारत और विश्व बैंक ने इस पे जो है हस्ताक्षर किए हैं। तो बेसिकली ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक का एक प्रोग्राम है जो कि एक्सेलरेट किया गया है इंडियाज़ COVID-19 सोशल प्रोटेक्शन रिस्पॉन्स प्रोग्राम, उनको सपोर्ट करने के लिए जो इस डिज़ीज़ की वजह से जो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए हैं और उनके लिए। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। तो हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मेलपास, टेंड्रोस एडहानोम, बोरिस जॉनसन, नन ऑफ द अबव। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये करंट अफेयर की मेरी एक क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ऑनलाइन क्लासेस बाय प्रिया को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। थैंक यू।